मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ममता को योगी आदित्यनाथ को कड़ा चेतावनी, टीएमसी पाई बाकी रही आउ मात्र 45 दिन। मई 2 तारीख दिन हेब भोट गणति, तापरे आउ पश्चिमबंगे क्षमतारे रहिबनी टीएमसी। सबुदिन पाई शेष हेब टीएमसी रो अराजकता आउ गुंडागटी। दंड पाइबे बीजेपी कर्मी को हत्या करथिबा टीएमसी गुंडा। दीदी ममता हाथ क्षमता जीव बीजेपी हाथ को। मंगलवार दिन पश्चिमबंगे आयोजित एक निर्वाचनी सभारे शासक टीएमसी और दीदी ममता कड़ा चेतावनी देखते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ममता तृणमूल कांग्रेस बाकी रही आउ मात्र 45 दिन। मार्च 27 आरंभ होगा 8 पर्याय निर्वाचन फलाफल मे 2 तारीख दिन भोट गणति पर जमापड़ आमतार विदा हो टीएमसी। ता सहित टीएमसी अराजकता और गुंडागर्दी शासन शेष होमता चेतावनी शुणाई योगी। क्या मुझे देख करके यहाँ की टीएमसी की सरकार की गुंडागर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी है, 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ममता चंडीपठ को टार्गेट करी योगी कहते 2014 पूर्व देश लोक मैंने मंदिर को गले से धर्म निरपेक्षता विपद में पड़े भावुले। ममता जयश्राम कहले चिड़ुले, मात्र एवं ममता निजे मंदिर को जा चंडीपाठ करने को भूलुना। एपरिकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी निर्वाचन समय रे मंदिर दर्शन करतन, यह ही भारत। पश्चिमबंग माटी अनेक महान व्यक्तित्व को जन्म देमा स्वप्न को साकार करने बीजेपी काम करतिश्रुति योगी आदित्यनाथ। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है, 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना। पश्चिमबंग भोटर बीजेपी को भोट दे क्षमता को आणतु। क्षमता को आसिले राज्य में जो बीजेपी कर्मी टीएमसी गुंडा को हत्यार शिकार होती सेमानंकु उपयुक्त दंड मिल आश्वासना देखते आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।